किसान यूनियन के लोग आज बठिंडा के डीसी ऑफिस के बाहर सैकड़ों की गिनती में इकट्ठे हुए और पंजाब सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। उधर किसान यूनियन के प्रधान का कहना है कि अगर पंजाब सरकार ने हमारी यह सभी मांगे नहीं माने तो आने वाले 7 दिनों में किसान यूनियन एक साथ इकट्ठा होकर पंजाब सरकार के विरुद्ध अधिकार संघर्ष करने का ऐलान करेंगे, धरने में शामिल होगी। किसान का कहना है कि पंजाब सरकार हमारे खिलाफ वादा खिलाफी कर रही है। पहले तो पंजाब सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए जो अब सारे चूर हो गए। इसका नुकसान कैप्टन सरकार को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। अगर कैप्टन सरकार ने इन किसानों की मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में किसान यूनियन अपना संघर्ष और तीखा कर देंगे, जिसका खामियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा। बठिंडा से कुणाल बंसल, आजाद टीवी न्यूज। खजाना खाली रहता, उन्हां दी आर्थिकता दा बुरा हाल रहिंदा, पर जदों टाटियां नूं, अंबानियां नूं, रिलायंस वर्गियां नूं ते वड्डियां कंपनियां नूं उन्हां ने लोन देने हुंदे आ, उदों 10 पैसे प्रतिशत दे हिसाब दे नाल उन्हां नूं करोड़ां रुपए दी राशियां ने जिहड़ियां दे दित्तियां जांदियां ने, पर खेत मजदूरां नूं 12 रुपए प्रति सैकड़े दे हिसाब नाल जिहड़ा गरंटियां लै लै के वह करजा दिता जा रहा। इस करके ये सरकार दा लोकां नूं धोखा देण तों बिना होर कुछ नहीं।